सच ही कहा है, कोई किसी से सच्चा प्रेम करता हो तो पूरी प्रकृति उन्हें मिलाने का षड्यंत्र करती है। हमने तो श्रृंगार के विषय में बस सोचा भर था, यहां तो श्रृंगार की सारी सामग्री उपलब्ध है। जब आप स्वयं को देखेंगी तो आप जान जाएंगी किस रूप में देखा था हमने आपको। बस एक कमी है, आपका श्रृंगार पूर्ण। कक्ष में अभी तो हम ही आए हैं। नहीं, तुमसे पूर्व कौन आया था? कोई भी नहीं, हम तो मुख्य द्वार पर ही थे। क्या हुआ सुनैना, तुम आश्चर्य से क्यों देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, वो क्या है ना, आपको कभी इतने श्रृंगार में देखा नहीं ना। वैसे राजकुमारी जी, आपका इतना सुंदर श्रृंगार किया किसने? श्रृंगार? क्या मैं जान सकती हूँ तुम सबके हंसने का कारण? या तुम सबको भी युवराज विक्रमादित्य के साथ कारागार में डालना पड़ेगा? राजकुमारी जी, आप हमें निस्संदेह कारागार में डाल दीजिए, किंतु हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपने अपने हृदय पर किसका नाम लिखा है। अवश्य उस दुस्साहसी युवराज का कार्य होगा। किंतु युवराज विक्रमादित्य तो बंदी हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें नहीं पता, ये उज्जैनी का युवराज कुछ भी कर सकता है और हम उसे छोड़ेंगे नहीं। लगता है राजकुमारी जी युवराज को बहुत अच्छे से समझने लगी हैं। युवराज विक्रमादित्य, युवराज विक्रमादित्य।
हम जानते थे कि तुम यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि ये सब तुमने किया है। किंतु ये मत सोचना कि हम तुम्हें यहाँ से बचकर जाने देंगे। आ साजन हमरे नैनन में, पलकों से ढांक लूं तो है, ना हम देखें किसी और को, ना तो है देखन दो। आपने बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार किया जैसा हमने चाहा था। आपको हमारे मन की बात कैसे पता चली? युवराज आप ये मत सोचना कि आपकी इन सारी बातों से हम मोहित हो जाएंगे। इसमें सोचना क्या राजकुमार, हमें पूर्ण विश्वास है आपको हमसे प्रेम हो गया है, अन्यथा अपने हृदय पर हमारा नाम लिखाकर इस तरह नहीं घूम रही होती। ये सब तुमने किया है, इसे स्वीकार करो युवराज। राजकुमारी ये आप क्या कह रही है, आपने तो हमें जहाँ छोड़ा हम वहीं पड़े थे। हाँ यदि आपको हमसे प्रेम हो गया है तो स्वीकार कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है राजकुमारी। युवराज आप अपनी सीमाएं पार कर रहे हैं, इसके लिए आपको हमसे क्षमा मांगनी होगी। क्षमा? हमने तो जब पहली बार आपको देखा था तभी अपना जीवन आपको सौंप दिया था हमने, हमने प्रेम किया राजकुमारी, कोई अपराध नहीं किया। हम तुम्हें अंतिम बार कह रहे हैं, यदि तुमने क्षमा याचना नहीं की तो क्या राजकुमार, आपका हृदय हमारे लिए कोई दंड नहीं ढूंढ पा रहा है? इसका अर्थ तो ये हुआ कि आपको भी हमसे प्रेम हो गया है। हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। हमें आपका ये प्रेम हट मृत्यु दंड स्वीकार है राजकुमार। जैसी तुम्हारी इच्छा। सेनापति जी महाराज, व्यवस्था कीजिए सूर्योदय के साथ ही उज्जैनी के युवराज को मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रेम का रंग है राजकुमारी, जीवन में बस एक बार ही चढ़ता है, और जब चढ़ता है तो जीवन भर नहीं उतरता। राजकुमारी जी ये क्या कर रही हैं आप, यहाँ तो सिर्फ हम ही हैं। वो युवराज कहाँ गया? यहाँ तो केवल हम ही थे, किंतु लगता है आपको अब हर किसी में युवराज नजर आ रहे हैं। राजकुमारी जी कहीं आपको उनसे प्रेम तो नहीं हो गया है? प्रेम उससे होता है जो हमारा हृदय जीतता है। ये युवराज तो एक ही बार से हमसे पराजित हो गया। राजकुमारी जी कभी कभी किसी को जीतने के लिए स्वयं को हारना पड़ता है, लगता है यही युवराज ने भी किया है। जानते हैं राजकुमारी आप उस चांद में भी हमें ही देख रही थी। आप चाहे मैं कितना ही नकार लीजिए, आपकी प्रत्येक धड़कन यही कह रही है कि आप हमसे प्रेम करती हैं। मुझ में रहा
सब कुछ तेरा हो गया, सब कुछ तेरा हो गया। समझ ले जरा, इन आँखों में कितना है प्यार भरा। मुझे देख ले तू भी खुद में कहीं, जहाँ होगी तू मैं भी रहूंगा वही। सारे रंग अब फीके लगे हैं, तेरा रंग जो चढ़ गया। मेरा कुछ न मुझ में रहा, सब कुछ तेरा हो गया, सब कुछ तेरा हो गया। क्या हो गया है हमें? हम सदैव केवल युवराज के बारे में क्यों सोच रहे हैं? ये सांस अभी हम युवराज के अंत के साथ ही समाप्त कर देंगे। राजकुमारी जी, प्रणाम। आपके आदेश के अनुसार युवराज विक्रमादित्य की फांसी की तैयारी पूरी हो चुकी है। अवसर देते, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो हमसे क्षमा मांग लो। राजकुमारी जी, लगता है आप हमें जीवित ही देखना चाहती हैं, किंतु यदि आप चाहें तो हम बिना किसी अपराध के भी आपसे क्षमा मांग सकते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। ये तुम्हारा चुनाव है, जीवन या मृत्यु। अब तो यदि हमारा जीवन है तो आपके साथ ही है राजकुमारी जी, आपके बिना मृत्यु हमें अधिक प्रिय होगी। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम अभी तुम्हें तुम्हारे प्रिय मित्रों के पास पहुंचाते हैं। राजकुमारी, क्या हुआ युवराज? मृत्यु को समुख देखकर भय लग क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस ये कहना चाहते थे कि मारने से पहले मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। माना कि हम शत्रु हैं आपके, किंतु आप हमारी एक अंतिम इच्छा तो पूरी कर ही सकती हैं। इतना सम्मान तो करेंगे ना आप हमारा? है तुम्हारी अंतिम इच्छा? राजकुमारी जी, हम मरने से पहले एक बार आपका मनपसंद भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। ये हमारा प्रिय भोजन, ग्रहण कर दीजिए। राजकुमारी जी, आपने हमारी पूरी बात तो सुनी नहीं। हमारी अंतिम इच्छा ये है कि आप अपना मनपसंद भोजन हमें अपने कोमल हाथों से कराएं। ये कैसी इच्छा हुई? अब अंतिम इच्छा है राजकुमारी जी, पूरी करेंगी ना आप? इतना तो हमारे लिए कर ही सकती हैं, भोजन करेंगे।
अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है। खिलाई खिलाई। और आपके कोमल हाथों से खाकर इसका स्वाद दुगना हो गया है। और खिलाई। बहुत मीठा है, बिल्कुल आपकी तरफ। खिलाइए खिलाइए। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी जी, वो क्या ना कि हमें अपने जीवन में आज तक किसी ने इतने प्रेम से भोजन नहीं करा, इसलिए हमने कुछ अधिक बढ़ाने वाला खाना चाहा। खिलाइए खिलाइए। जानते हैं राजकुमारी जी, आपने भी कल से भोजन नहीं किया है। अब जब आप हमारे लिए इतना कर रही हैं, तो थोड़ा हम भी आपके लिए कर सकते हैं। अगर आपका भोजन हो गया हो तो मृत्यु दंड के लिए चले। युवराज, अपने प्रिय जनों का स्मरण कर लीजिए। राजकुमारी जी, जो मैं सबसे अधिक प्रिय है वो तो हमारे सम्मुख ही है। किसी साधारण स्त्री का नहीं, मदन सेना का अपहरण करने की भूल की है। हम विवश थे राजकुमारी, क्या करते, अपने प्रेम को शत्रुराज में छोड़कर तो नहीं आ सकते थे ना। यह भार नहीं है राजकुमारी, आपके लिए हमारा प्रेम है। हम समझ नहीं पा रहे हैं राजकुमारी कि आप हमारा प्रेम निवेदन स्वीकार क्यों नहीं कर रही हैं। क्योंकि आप हमारे शत्रु हैं। किंतु आपकी आंखों में तो हमें अपने लिए केवल प्रेम दिखाई दे रहा है। युवराज, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। ना ही हमें आपका प्रेम चाहिए और ना ही आपका दिया हुआ जीवन। ठीक है राजकुमारी, हमने अब जो भी किया केवल आपका प्रेम पाने के लिए किया, किंतु लगता है आपको हमारा प्रेम स्वीकार नहीं है। ठीक है राजकुमारी, हमने अपने जीवन में हर स्त्री का सम्मान किया, आपका भी करेंगे। हमें लगा था हम आपके हृदय में अपने लिए प्रेम जगा लेंगे, किंतु हमारे राज्यों की शत्रुता हमारे प्रेम पर भारी पड़ गई। जाइए राजकुमारी, लौट जाइए अपने राज्य में। अब ये विक्रमादित्य आपके मार्ग में कभी नहीं आएगा। युवराज विक्रमादित्य,
राज्य के सामने हमारा अपहरण करके लाए आप, अब तो हम हमारे राज्य खाली हाथ नहीं लौट सकते। विवाह करेंगे आप हमसे? क्या? हमको समझे नहीं राजकुमारी। युवराज, जीवन भर प्रेम करने के लिए विवाह करना पड़ता है, क्या आप इतना भी नहीं जानते? किंतु राजकुमारी, एक ही क्षण में शत्रुता से सीधा विवाह। सच कहे तो हमें आपसे तभी प्रेम हो गया था जब आपने हमारे हृदय पर अपना नाम लिखा था। सच? तो पहले क्यों नहीं बताया? हम देखना चाहते थे कि आपका प्रेम कितना गहरा है।